बलिया से सत्यनारायण ओझा जी, आपने प्रश्न पूछा कि गुरुजी घर में एक नर्मदेश्वर शिवलिंग रखा है और पूजा करता हूँ, क्या इस पर भस्म लगाना चाहिए कि नहीं? नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए कि ओम नमः शिवाय का? देखिए, नर्मदेश्वर शिव आपके भगवान आपके घर में हैं, स्थापित हैं, इससे बढ़कर के दूसरी कोई अच्छी बात नहीं हो सकती। बहुत अच्छा है भगवान घर में विराजमान, नियमित पूजा करिए, किसी भी दिन पूजा छूटनी नहीं चाहिए। संक्षेप हो जाए तो चलेगा, लेकिन छूटनी नहीं चाहिए। और आपने पूछा कि क्या इस पर भस्म लगाना चाहिए कि नहीं, देखिए ये जो विभूति है ये भगवान की पूजा, शिव जी की पूजा में मुख्य उपचार है। जैसे देवी जी की पूजा करना हो तो रोली माने लाल चंदन ये मुख्य उपचार है, उसी तरह से शिव जी की पूजा में भस्म मुख्य उपचार है। इसलिए भस्म और रुद्राक्ष के बिना शिव जी की क्या पूजा। तो आप जरूर भस्म लगाइए, मंत्र पूर्वक लगाइए। और जहां तक मंत्र कौन सा जपना चाहिए, नमः शिवाय की ओम नमः शिवाय ऐसा आपने लिखा है, तो मंत्र के बारे में हमारा निर्णय ये है शास्त्र के अनुसार कि मंत्र की दीक्षा लेनी चाहिए किसी योग्य गुरु से। वो गुरु अगर योग्य होगा तो आपकी क्षमता को, प्रतिभा को, आपकी अधिकारिता को जान जाएगा, और जान करके आपकी अधिकारिता के अनुसार का ही मंत्र आपको देगा, और वही जपने से आपको फायदा होगा। कोई भी मंत्र यूं ही जपने से कुछ नहीं फायदा होगा। हाँ, जब तक दीक्षा नहीं है तब तक नाम मंत्र का जप आप कर सकते हैं, भगवान के नाम का उच्चारण, वो भी संबोधन विभक्ति में माने बुलाने की तरह से, जैसे शिव शिव, शंकर शंकर, महादेव, ये जो भगवान के नाम है इन नामों का उच्चारण आप करें, इसके में सबका अधिकार है। कोई भी भगवान के नाम का उच्चारण कभी कर सकता है, उनको बुला सकता है। तो बुलाने के लिए संबोधन विभक्ति में आप भगवान शिव के किसी भी नाम का, जो नाम आपको पसंद हो, मृत्युंजय मृत्युंजय, मृड मृड, शर्व शर्व, भव भव, हर हर, अनेक नाम है भगवान के, कोई भी नाम जो आपको पसंद हो उस नाम का उच्चारण करिए और उसी का बार बार आवर्तन करिए, बार बार बुलाइए। इतने में आपका अधिकार है। और बाकी मंत्र जप का अधिकार तब मिलेगा जब किसी योग्य गुरु से, योग्य गुरु से हमारा तात्पर्य क्या है, एक तो सदाचारी हो, दूसरे परंपरा से दीक्षित हो, परंपरा में दीक्षित हो, मनमाना मनमुखी ना हो, और तीसरे जिस मंत्र की उसने दीक्षा ली है उस मंत्र को सिद्ध कर चुका, दीक्षा देने का अधिकारी बन चुका। क्योंकि मंत्र ले लेने मात्र से हम देने लायक नहीं बनते। जैसे बच्चा अपने घर में पैदा होता है तो वो नया बच्चा पैदा करने के लिए उसको 18-20 साल लगते हैं, 25 साल, तब जा करके फिर वो बच्चा पैदा कर पाता है। अभी बच्चा खुद पैदा हुआ और अभी दूसरा बच्चा पैदा करने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह से अभी आपने मंत्र दीक्षा ली, अभी आप दूसरे को मंत्र देने लायक नहीं बनेंगे, उसके लिए आपको प्रौढ़ होना आवश्यक है। मंत्र में प्रौढ़ी, मंत्र में प्रौढ़ी का मतलब है कि मंत्र का पुरस्करण आदि करके उसको सिद्ध कर लें। जब वो मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा तब आप उसको दूसरे देने के को देने के अधिकारी बनेंगे। आपके गुरु आपको तब आदेश कर देंगे कि अब तुम दूसरों को भी दीक्षा देने लगो। तो ऐसी स्थिति में जो गुरु आप बनाएं वो गुरु सदाचारी होना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार चलने वाला होना चाहिए, भगवान शिव का परम भक्त होना चाहिए, भगवान शिव के मंत्र को किसी परंपरा प्राप्त गुरु से उसने दीक्षा ली हो और उसको सिद्ध कर लिया। ऐसा गुरु मिल जाए तो उससे अपने अधिकार के अनुसार अपने बारे में बता करके मंत्र दीक्षा ले लीजिए और फिर उसका जप करिए, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। नारायण।